ब्रॉडवे विदेश जाने के सुपनों को देगा हकीकत की उड़ान। सो कैनेडा में पहले प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर का इशू रहा, उसके बाद ओंटारियो ने अपना जो अपडेट शेयर किया उससे और ज्यादा टेंशन दे दी स्टूडेंट्स को। सो अप्रैल महीने में बैठे हैं, प्रेजेंटली हो क्या रहा है, अप्रैल महीने के क्या अपडेट्स हैं वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। मेरे साथ मौजूद है ब्रॉडवे इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर। सो कंवर साहब, दो मेजर चीजें हुई, पहले तो अटेस्टेशन लेटर को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहे, उसके बाद ओंटारियो ने थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़ा दिया, तो पूरे सिनारियो में इस वक्त कहां खड़े? देखिए, प्रेजेंट जो सिनारियो जिसके अंदर जो पीएल है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बन चुका है अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, खासकर डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर या यूजी स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ मास्टर्स वाले एग्जेम्प्टेड हैं, जो बच्चे मास्टर्स करने जाएंगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनको किसी अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर सिर्फ ओंटारियो ने नहीं किया, मैं बता दूं आपको लेटेस्ट कैनो कॉलेज है अल्बर्टा का, उसने भी कर दिया है। बिजनेस कोर्सेज को उन्होंने बाहर कर दिया, उन्होंने ओंटारियो गवर्नमेंट ने तो पूरा कह दिया कि चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, बिजनेस के कोर्सेज उन्होंने लिस्ट कर दिए हैं। मैं सिर्फ कहूंगा टीम को कि वो स्क्रीन पे दिखा दें, कोर्स का कोड साथ में है, आप किसी भी कॉलेज में चाहे वो कोर्स लो, अगर आप उस कोर्स में जा रहे हो तो आपको अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेगा, ये क्लियर हो चुका है। जो काइनो कॉलेज अल्बर्टा है उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि बिजनेस प्रोग्राम में और एक उनका हेल्थ केयर प्रोग्राम है, वो दोनों प्रोग्राम्स के अंदर अटेस्टेशन लेटर नहीं देंगे। ये जो ट्रेंड है अटेस्टेशन लेटर्स ना मिलने का, ये आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, ये नोट करें। इसके बढ़ने के दो कारण होंगे मेजर। पहला कारण ये होगा कि सीट्स फिल हो जाना, कई कॉलेजेस के अंदर सीट्स बहुत ज्यादा एडवांस फिल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले आल्स करके बैठे हैं, दे जस्ट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। और प्रेजेंटली जितने मार्केट में भी अवेलेबल बच्चे हैं पुराने साल के पास आउट या उससे पहले वाले साल के पास आउट, वो भी सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर इसमें जो आ रहा है कि कनाडा इमिग्रेशन इस समय फोकस कर रही है ट्रेड बेस के ऊपर, मतलब कि जिन लोगों की जिस प्रोविंस को जरूरत है उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाए। तो इसीलिए आपको बैचलर्स प्रोग्राम अगर आप लेते हो या डिप्लोमा प्रोग्राम्स लेते हो, अगर आप एक स्टेम स्टूडेंट के तौर पे जाएंगे तो आपको ये अटेस्टेशन लेटर्स मिलने में किसी भी प्रोविंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेम स्टूडेंट कौन सा होता है? स्टेम स्टूडेंट होता है जो स्टूडेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोर्सेज करेगा, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम सबसे कम आने वाली है। बट जो एक हम लोगों ने लूप होल बना रखा था, बिजनेस कोर्स ले लो, कोई भी बिजनेस डिप्लोमा ले लो और कनाडा में चले जाओ, उसमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आने वाले दिनों में और भी प्रोविंसेस या उनके कॉलेजेस के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटली अप्लाई करें उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सोच समझ कर अपने कोर्सेज को ऑप्ट करें। अगर खासकर वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको कतई ही बिजनेस कोर्स नहीं लेना चाहिए। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, देन अगर आप ओंटारियो में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स का ऑप्शन रहेगा। दूसरे प्रोविंसेस में अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आप सेफ हैं, अभी आप काफ़ी जगह ऑप्शंस ले सकते हैं। लेकिन कनाडा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था जब ये रूल चेंज हुए कि भाई आने वाले दिनों में ऑप्शंस कम होंगी, एम्बेसी स्ट्रिक्ट होगी, तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपना कोर्स, कॉलेज और एजेंट तीनों सेलेक्ट करने से पहले चार बार जरूर सोच लें, ये ना हो कि आप किसी नुकसान के हिस्सेदार बन जाएं। सो लास्ट में जो जो चेंजेस कनाडा कर रहा है, आपको लग रहा है लॉन्ग रन में या मिडल रन में स्टूडेंट फ्रेंडली रहेंगे इसके रिजल्ट? डेफिनेटली आने वाला जो टाइम है, जो रिजल्ट्स रहेंगे वो डेफिनेटली फ्रेंडली रहेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये अफेक्ट कर रही हैं एडमिशन प्रोसेस को, ना कि वीजा प्रोसेस को। सो कनाडा के अंदर वीजा प्रोसेस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, उसका सक्सेस रेट मेरे ख्याल से जिस तरह से ये रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अब फिल्टर्ड बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे जो पहले ही एलिजिबिलिटी से आउट हो जाएंगे या वो राइट सिलेक्शंस बनाएंगे मजबूरन, पहले वो राइट सिलेक्शन नहीं बनाते थे, वो सस्ता देखते थे, वो ईजी देखते थे, वो अपने मामे के लड़के के पास वाला कॉलेज देखते थे, वो अब चीजें बंद हो जाएंगी और कहीं ना कहीं जब डिसीजन सही होगा तो डेफिनेटली उसका आउटपुट भी बच्चे के फेवर में जाएगा।
सो स्टूडेंट्स, कनाडा बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से जरूरत है आपको भी अपडेट रहने की ताकि सही डिसीजन ले सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, हम रेगुलरली आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।